अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। मैं भी खैर से हूँ। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 11:10 है और मैं उठ चुका हूँ और आज हमें स्कूल से छुट्टी भी हो गई है क्योंकि आज मम्मा और पापा का अलार्म नहीं बोला था। आज आप सबको मौसम बहुत ज़्यादा सनी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये देखें। लेकिन कल बारिश की वजह से आज मौसम ठंडा है, लेकिन सूरज यहाँ ही है लेकिन मौसम ठंडा हुआ हुआ है। ये देखिए, हम लोग अल्लाह के घर से लेके आए इसे, ये देखिए। अगर हम इसको ए सी नीचे करेंगे, इसके अंदर ये 3-4 बॉल्स हैं। अभी घर में तो कुछ नहीं पड़ा और मैं मम्मा को कहूँगा मम्मा मुझे अंडा स्लाइस बना दें, फिर जब मैं खाऊंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टेस्टी बनता है। सो गाइस, जब तक मेरा नाश्ता पक रहा है तब तक मैं सोने लगा हूँ, फिर अब मैं आपसे सो के उठ के मिलता हूँ जब मेरा नाश्ता भी पक जाएगा। सो गाइस, अब मैं सो के उठ चुका हूँ, अब देखते हैं नाश्ता तैयार है या नहीं। पहले वॉशरूम जाते हैं, मुँह धो के फिर आपको दिखाते हैं। वॉशरूम आ चुका हूँ, मैं मुँह धोने लगा। मुँह भी धो लिया, मैं जा रहा हूँ बाहर, देखिए नाश्ता पक गया या नहीं। गाइस, अब मेरा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसको खाऊंगा, भी आपको दिखाऊंगा कैसे। गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता मज़े का था और मैं चाय पीऊँगा, फिर चाय पी के अब आपको मिलेंगे। गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया, अब नाश्ते से मैं फारिग हो चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो गया है 12 बज गए हैं और अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ। अब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन से आके आप सबसे मिलेंगे। गाइस, हम लोग ट्यूशन जाने से पहले अभी स्टोर जा रहे हैं, देखते हैं मैं क्या लेके आता हूँ अपने लिए। सो गाइस, अब मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और अब हम लोग पंजाब सिटी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। सो गाइस, अब हम लोग इस वक्त गए हुए थे मेडिकल स्टोर, बाबा ने अपने लिए दवाइयाँ लेनी थी और मैंने जूस व्यूस लेना था मेडिकल स्टोर से, और ये रो रहा था कि मैंने भी जाना है और मम्मा ने इसको अलाउ कर दिया कि जाओ आप भी चले जाओ। तो इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दोबारा बंद कर दिया, अब उसके साथ मकैनिकियाँ कर रहा है। अब ये मेरी टॉफियाँ खा रहा है, वो ये मैं हूँ, पापा कह रहे हैं यान को लेके आओ, ये यान हमें देख रहा है। ये मम्मा ने यान को बाहर निकाल लिया कि आप जाओ पापा के साथ, ये भागता भागता गया। रो मैं, यान साहब भी चले गए। 2000 years later। सो गाइस, हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ 3 रोल हैं, 3-4 समोसे आलू वाले और यहाँ फ्राइज है। तो गाइस, इसको हम लोग वापस जा रहे थे घर और पापा के साथ, हमने छोटा सा प्लान किया, पापा अपने लिए चीज़ें लेके आए, हमने कहा हम सब ने सारी चीज़ें खा ली हैं और इस वक्त पापा की शक्ल कुछ ऐसी बनी हुई थी। पापा का ऐसे कोई बात नहीं, मैं घर जाके अपने कुछ ऑर्डर करवा लूँगा। तो गाइस, अब हम घर आ चुके हैं, तो अब मम्मा ने हमारे लिए मैक्रोनी बना ली है। ये यहाँ पर गार्लिक है, ये अनियंस है, ये कैरेट है, कैप्सिकम है, यहाँ पर चिकन है और ये बेक पाउडर, इसमें से एक मसाला निकलता है वो है। तो आज हम ये वाली पहली बार ट्राई करने लगे। ये सोया सॉस है, ये विनेगर है और ये बॉइल्ड मैक्रोनी है हमारी। तो गाइस, अब आपने सबसे पहले इसमें ऑयल डालना है, ये देखें ये ऑयल डल गया इसमें, और ऑयल डल गया। और अब हम इसके बाद ये जो जितने भी यहाँ पर हैं ये इंग्रेडिएंट्स हमारे दूसरे, वो भी डाल लें। अब सबसे पहले हमने इसमें गार्लिक डाल लिया है, इसको ब्राउन करना है। अब इसको ब्राउन करना है हमने, जब तक ये ब्राउन नहीं होएगा हम इसको ब्राउन करते रहना है। अब हमें इसकी आग की फ्लेम भी थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो ये देखें, अभी ये मतलब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। गाइस, ये देखें, अभी ये मैक्रोनी का मतलब ये जो हमारा ये गार्लिक, ये अब हो चुका है गोल्डन ब्राउन। और ये देखें, यहाँ पर मम्मा बना रही हैं, इधर ये देखें
मतलब मम्मा कहती हैं आपको आग की छीनना पड़ जाए इसलिए। और अब हमने इसमें अनियन ऐड करने हैं, ये देखते हैं। उसके बाद नंबर से ऐड हो गए हैं हमारे। और इसके बाद अब हमें शायद क्या ऐड करना है मम्मा? तो गाइस अब ये हमारे अनियन और ये गार्लिक हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसमें से चिकन ऐड करना है। ये देखें मामा ने चिकन ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि मुझे ऑयल से डर लगता है इसलिए मम्मा ने चिकन ऐड किया है। अब इसमें मम्मा ने हमारे कैरेट्स ऐड करने हैं और ये कैप्सिकम ऐड करनी है। पहले मैंने कैप्सिकम और अब कैरेट। ये देखें अब इसको भी गोल्डन ब्राउन करना है हमने, फ्राई करना है, फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इनको। ये देखें अब इनका मिक्स तैयार हो गया है और अब इनको गोल्डन ब्राउन करना है। हमारी मैक्रोनी है और इसमें पहले हमने अब ये मसाला जो हमें मिला है वो ऐड करेंगे। पहले विनीगर ऐड करेंगे, उसके बाद ये सोया सॉस ऐड करनी है हमने। ये देखें मामा कर रही है सारा काम। और अब हमने इसमें जो मसाला मिला था वो ऐड करना है बिग पार्लर का। तो ये देखें अब इसको हमने मिक्स करना है। देखें अब ये जो हमारा है ना, ये सारे ये जो वेजिटेबल्स हैं साथ में चिकन है और ये सोया सॉस वगैरह जो भी हमने मिक्सचर बनाया है, इस सबको ना हमने कवर करके रखना है, क्योंकि ये जिसका पानी है वो भी सूख जाए और साथ में जो सब्जियां वगैरह हैं ये भी सारी कुक हो जाए। तो गाइस अब जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह का पानी है वो मम्मा ड्राई करेंगी और हम फिर इसके अंदर मैक्रोनी डालेंगे, हमारी बॉयल्ड मैक्रोनी, और फिर ये तैयार हो जाएगी भर के। देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है हमारे वेजिटेबल्स और चिकन का। तो अब ये जो हमारा ये वाला जो पैन है ना, इसके अंदर हमने मैक्रोनी डालनी है और इसके ऊपर से हमने ये जो हमारा मसाला है ये डालना है। ये देखिए सारा हमने डालना है इसके अंदर। देखिए सारा डल गया। अब इसको हमने ना मिक्स करके इसको ऊपर से बंद करना है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। देखिए तो मिक्स करेंगे अब। सॉरी इसमें ना आपको केचप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसके अंदर आपको एक मसाला मिलता है वो ही इतना स्पाइसी होता है। ये देखें ये देखें हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है ना, हो गई है ना। हाँ जी मैं ट्रोनी है, ट्राई करें और बताएं कैसी है। टेलने से मार्क्स भी देने पड़ेंगे। अच्छी बनी है, इसको मैं मार्क्स दूंगा 10 में से 9.5। 0.5 मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि अभी पानी नहीं है यहाँ। सही है। अदरवाइज बोला तो गाइस मैंने मैक्रोनी खा ली है और टाइम इस वक्त हो रहा है ये 9:10 है और मैं सोने लगा हूँ, क्योंकि कल हमारे स्कूल की ट्रिप है। अब आपको कल भी दिखाएंगे कि कल क्या होएगा ट्रिप में। इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे किसी अगले व्लॉग में। तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।